हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लाक पढ़ रहे थे और क्लाक में हम चार वीडियोस देख चुके हैं, उसके बाद ये हमारा उस क्रम में होगा पांचवा वीडियो। और हमने क्लाक को सुचारू रूप से इतना विधिवत पढ़ना शुरू किया है कि अगर हम जब क्लाक कंप्लीट कर रहे होंगे उसके बाद आप कोई सी भी बुक हल करेंगे, मार्केट में अवेलेबल कोई भी बुक, किसी एक पार्टिकुलर बुक का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप कोई भी बुक अगर हल करेंगे तो आप उसमें के सारे प्रश्न कर पा रहे होंगे और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। एक चैप्टर जब आप कंप्लीट करें तो उसको किसी भी किताब से जितने भी प्रश्न दिए रहे हैं आप लगाने का प्रयास करिएगा। अगर कोई प्रश्न फंसता है तो आप उसमें कमेंट करके किसी भी वीडियोज में आप पूछेंगे तो वो बात हमारे तक पहुँच जाएगी और मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि हम क्लाक पढ़ रहे थे, क्लाक में ये हमारा पाँचवा कैसरा है, पांचवा है, तो पांचवा क्लास है। चार क्लास आप एकदम बढ़िया से पूरा एक एक सीक्वेंस में देखिएगा, भले ही आज आप इसको देख रहे हो लेकिन पहले आप जाइए, पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, तब पांचवें को फिर से देखिए। यानी कि जब आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको लाभ बहुत विधिवत होने वाला है और हम कंप्लीट रीजनिंग आपको बता देंगे टॉपिक वाइज। और अगर टॉपिक वाइज ना जम रहा हो तो बताइए, हम क्वेश्चन भी करवा देंगे, उससे आपका बहुत लाभ नहीं होगा। जब तक आपको प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया नहीं पता चलेगी तब तक आप क्या ही करेंगे कि क्वेश्चन देख लेंगे, सॉल्यूशन देख के मस्त हो जाइए। क्या जरूरी है कि वही प्रश्न हमारे परीक्षा में आ जाएगा? ऐसा तनिक भी जरूरी नहीं है, प्रश्न की प्रकृति बदल सकती है। तो जैसे कि हमने क्लाक को पढ़ा है, क्लाक में हमने क्या क्या पढ़ा है, सर्वप्रथम हम घंटे वाली सुई, घंटे मिनट की सुई पर आधारित प्रश्न देखा पहला में, उसके बाद हमने देखा कोण पर आधारित प्रश्न, उसके बाद हमने देखा समय पर आधारित प्रश्न, उसके बाद हमने देखा अतिव्यापन, अतिव्यापन के बाद हमने देखा तेज मंद होना, सुइयां तेज और मंद हुआ करती थी, और तेज और मंद होने के बाद हम देखेंगे दोनों सुइयों के समान दूरी पर आधारित प्रश्न, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। और जब हम समान दूरी पर आधारित प्रश्न देख लिए होंगे तो उसके बाद हम आपको सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो जितने भी टाइप बचेंगे उस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके कवरअप हो जाएंगे इसी के जस्ट बाद। और उसके बाद हम चलेंगे अपने इमेज वाले क्वेश्चंस पे कि क्लाक में इमेज के तहत कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि अगर रियल टाइम ये है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका समय उसमें क्या प्रदर्शित हो रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन आप वर्बली कर पाएंगे जब आप वीडियो को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट किया करिए कि हाँ अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आपको कमेंट करना है। केवल बैठ के देख लेते हैं तो उससे हमको नहीं पता चलता कि आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। यानी कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई और मोटिवेट करेगा कि आप पढ़िए, आप ये करिए, आप वो करिए, या कोई और आपको रास्ता दिखाएगा कि आप इस रास्ते पर चलिए, तो जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप किस रास्ते पर सुचारू रूप से चल सकते हैं, किस रास्ते पर आपके पैरों में कांटा नहीं चुभेगा। और एक बात तो जान लीजिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो कोई और ये काम करके देने वाला आपको नहीं है, ये काम आपको स्वयं करना होगा। यानी कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई हमारी ज़िंदगी बदल सकती है तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइएगा एक बार, और वो आईना जो चेहरा दे रही होगी वही एक चेहरा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यानी कि आपकी ज़िंदगी बदलने का एक ही जरिया है, स्वयं आप। तो आप खुद से अपने एफर्ट डालिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन मेक टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि जो पढ़ाई है हमारा वो सबसे सशस्त्र हथियार है अपने जीवन को बदलने के लिए। तो आप पढ़ाई पे एकदम फोकस्ड हो जाइए। और आगामी परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, SSC की शुरू होने वाली है, यूपी में चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भर्तियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। तो चलिए हम अब अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। और एक बात, ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा, तो प्रयास हमें ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 7 से 8 के बीच घड़ी का वह समय बताइए
जब सुइयां 7 से समान दूरी पर होंगी और 8 से समान दूरी पर होंगी। अगर आप इस प्रश्न को पहले से किए हुए हैं तो एक बार करके प्रयास कीजिएगा कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत बात है, कर भी नहीं पा रहे हैं और आप खोज क्यों नहीं रहे हैं, आपके अंदर वो ललक क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है कि इस प्रश्न को कैसे किया जाए। जब आप बुक्स में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो विद्वत एक पेज में 3-3 समीकरण बना के इसको हल करते हैं, लेकिन आज के बाद इसको वर्बली आप कर पा रहे होंगे। आज का वीडियो जितने भी मिनट का होगा इसको देखने के बाद समान दूरी से आधारित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको ऐसे प्रश्नों के साथ क्या करना है अगर ये परीक्षा में पूछ लिया जाए। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो उसके लिए आप यहां पे एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, जब भी दोनों सुइयों के समान दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो, जब भी दोनों सुइयों से समान दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। नंबर एक लिखिएगा T1 प्रथम समय, T1 को हम क्या कहते हैं, प्रथम समय से पूछे तो T1 गुणे 60/13 करेंगे। नंबर दो, यदि T2 यानी कि T2 को क्या कहेंगे, द्वितीय समय, जैसे कि यहां पे दिया गया है 7 से 8, तो इसमें T1 क्या होगा 7 प्रथम समय, 8 क्या है T2 मतलब द्वितीय समय। तो यदि T2 द्वितीय समय से पूछा जाए तो T2+1 × 60/13 करेंगे। यहां भी m बराबर आ रहा होगा और यहां भी m बराबर आ रहा होगा। तो अगर प्रथम समय से पूछेगा तो हम डायरेक्ट T1 में 60/13 से गुणा कर देंगे, और अगर द्वितीय समय से पूछेगा तो हम उसमें एक जोड़कर तब 60/13 से गुणा करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। पहले तो पूछा है कि 7 से समान दूरी पर होंगी, 7 से समान दूरी प्रश्न है 7 से 8 बजे के बीच, यानी कि T1 बराबर हमारा 7 ही है। तो यदि T1 बराबर 7 है और T1 से ही पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, m बराबर 7 × 60/13 यानी कि 7×42 420/13। अगर इसको हम भाग दे दें तो 13 × 3 39, 39 × 3 42, 13 × 2 = 26, 26 × 4 = 30/13 यानी कि वह समय होगा 7:32 = 4/13 मिनट, जब घड़ी की दोनों सुइयां 7 से समान दूरी पर होंगी। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे अगर हम देखें तो दूसरे प्रश्न के लिए हमने कहा था कि अगर T2 से पूछे तो आप क्या करेंगे, उसमें एक जोड़कर तब 60/11 से गुणा करेंगे। तो दूसरे प्रश्न में हमारा T2 बराबर दिया गया है 8, तो हम करेंगे T2+1 × 60/13। अगर T2+1 × 60/13 कर दें तो m बराबर हो जाएगा, T2 है 8+1 × 60/13 यानी कि 8+1 हो जाएगा 9 और 9×54 यानी कि हो जाएगा 540/13। अगर इसको अब हम भाग दे दें, भाग देना आपको आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो ये बात भी कमेंट में लिखिएगा, हम आपको एक पूरे वीडियो में भाग देना ही सिखाएंगे, ऐसा भाग देना सिखा देंगे कि जिंदगी में कभी भाग देना ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। अब अगर 540 में 13 से हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, 13×54 52 हो गया, 2 बचा 20 हुआ।
अब 20 बचा है, 13 दूना 26 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 13 एकम 13, 13 में क्या जोड़ दें कि 20 हो जाए, 7 जोड़ दें कि 20 हो जाए, बटे 13, यानी कि 41 सही 7 बटे 13। तो दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 7:41 सही 7:13 मिनट पर दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर होंगी। तो हमने इस प्रश्न में आपको बताया कि जब भी दोनों सुइयों के समान दूरी पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर प्रथम समय से पूछा जाएगा तो डायरेक्ट प्रथम समय में 7:13 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर द्वितीय समय से पूछा जाए तो पहले हम द्वितीय समय में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 7:13 से गुणा कर देंगे। तो यहां पे हमने प्रथम समय में 7:13 से गुणा किया तो हमको मिल गया 32 सही 4:13, यानी कि 7:32 सही 4:13 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 7 से समान दूरी पर होंगी। और नंबर 2 T2 बराबर, अगर हम 8 ले लिए तो 8 से हल करने पे हमारा उत्तर आ गया 7:41 सही 7:13 मिनट पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। हम हटते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आई है तो कमेंट में लिखिए क्या समझ में नहीं आया है, हम आपको वो बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब अगर प्रश्न आपसे कभी समान दूरी पर आधारित पूछा जाएगा तो आप बिना पेन उठाए उसका उत्तर देंगे, ये मैं उम्मीद अब कर सकता हूँ ना। अब आगे हम चलते हैं, एक प्रश्न मैं आपको इस पे और करवा देता हूँ। आज की वीडियो छोटी रहेगी लेकिन एक कॉन्सेप्ट को पूरे मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर होंगी और 5 से समान दूरी पर होंगी। पहली बात क्या बताना है T1 से, दूसरी बार क्या बताना है T2 से। तो आप क्या करेंगे, जो इसके पहले बताया हूं वही करेंगे, और क्या करेंगे, तो आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे अगर हम करें तो ऐसे एक सुंदर सी लाइन खींच देंगे। लाइन पता है वो क्या होता है, ज्योमेट्री पढ़े हैं ना, लाइन क्या होता है, बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होता है, रेखा मतलब लाइन, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, ये सारी बातें होती हैं ज्योमेट्री में, हालांकि ये रीजनिंग है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो पहले प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 से समान दूरी पर बताना है, यानी कि T1 = 4 है, और डायरेक्ट हम m बराबर निकालने के लिए T1 × 60/13 कर देंगे, यानी कि 6×24 = 240/13 हो जाएगा। अब अगर 240 में 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 26 ज़्यादा हो जाएगा, 13 × 11 होता है 24, 110 बचा, 13 × 91 13 × 8 = 104 104 में क्या जोड़ दें कि 110 हो जाए, 104 में 6 जोड़ दें कि 110 हो जाएगा, तो 18 सही 6/13 मिनट पे। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया कितने से कितने है, 4 से 5, यानी कि 4:18 सही 6/13 मिनट पर। अब अगर हम दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरे प्रश्न में अगर हम देखें तो 5 से समान दूरी पर कब होगी ये पूछा गया है। तो 5 से समान दूरी यानी कि T2 से पूछा है कब होगी, और T2 बराबर यहाँ पे हमारा है 5, तो हमारा उत्तर हो जाता है T2 + 1 × 60/13 होता है m बराबर निकालने के लिए हमारा फार्मूला जब T2 से पूछे तो T2 है 5, 5 × 6 हो जाएगा, 6 × 60/13 यानी कि बराबर 360/13। अब 13 × 26 तो बचा 10, और 1 0 पहले से है तो 100 बचा, 13 × 7 = 91 में 9 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा बटे 13, यानी कि 27 सही 9/13 मिनट। तो इस प्रश्न का हमारा सुंदर सा उत्तर हो जाएगा 4:27 सही 9/13 मिनट पर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आप सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पहला आंसर हमारा पहले प्रश्न का ये हो गया, और दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके दिल में घुस चुकी होंगी और आप इसको हमेशा के लिए याद रख लेंगे। जब जब भी आप किसी एग्जाम में बैठेंगे और ये प्रश्न आएगा, जब आप करेंगे तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। अगर 100 बच्चे होंगे तो उसमें से लगभग 85% बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देंगे, क्योंकि ना तो हर किताब में दिया गया है ना तो हर कोई बताता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने सरल शब्दों में हमने आपको बताने की कोशिश की है उतने ही सरल दिमाग को रखते हुए आप इस बातों को अपने दिमाग में रख लिए होंगे।
और हम अब अगले वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस घड़ी के बनते हैं उनको करवा देंगे। उसके बाद हम इमेज पे आधारित प्रश्न, जो दर्पण पे आधारित घड़ी के प्रश्न बनते हैं उसको करवा देंगे। फिर हमारा घड़ी का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आप जो कहेंगे वो एक सुंदर सा चैप्टर हम शुरू करेंगे और उसको विधिवत, जैसे इसको हमने आपके सामने रख दिया है, वैसे ही उस चैप्टर को भी रख देंगे और उसके सारे प्रश्न आप विदाउट एनी डाउट सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहने का, ठीक है? आप पढ़ते रहिए, हर एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।